और अब बात करते हैं देवास की, जहां गुरुवार को कांग्रेस ने उज्जैन रोड स्थित होटल में प्रेस वार्ता कर नगर निकाय चुनाव को लेकर अपना वचन पत्र जारी किया। यहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के महापौर ने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, जिसे कहीं न कहीं सभी के सिर शर्म से झुक जाते हैं। इस दौरान विकास के अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि देवास में पेकी प्लॉट की समस्या बड़ी है, जिस पर भवन निर्माण की अनुमति देकर उनके स्वामित्व वाले निर्धन परिवारों को राहत दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। 2% किया जाएगा करके नजूर की तो हमने कर दी, लेकिन ये भाजपा की सरकार और नगर निगम ने हमारी सरकार में नजूर की बाध्यता समाप्त करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो लेटर कलेक्टर को लाके दे दिया, लेकिन आज तक नागरिकों को राहत नहीं मिली है। ये तो आपराधिक प्रकरण लगाए जाना चाहिए कलेक्टर वगैरह नगर निगम के ऊपर। ये जो पिछले प्रदेश की सरकार ने नजूर की बाध्यता समाप्त की, क्यों बाध्यता को लागू की? देखिए, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बाहुबल पे विश्वास खत्म हो चुका है। जगह जगह भ्रष्टाचार के पैसे से कर्नाटक हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ये भ्रष्टाचार के पैसे से विधायकों को खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देश की जनता सारी बातें खुली आंखों से देख रही है। ये लोकतंत्र के हत्यारों को आने वाले 2023-24 में जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस को इतना जबरदस्त मैंडेट देगी कि सारी फरोख नहीं हो। उदयपुर में जो घटना हुई, पूरा देश उसकी भावनाएं आंदोलित है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है इस प्रकरण में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7 दिन के अंदर फैसला आ जाना चाहिए और फैसला होना चाहिए। इन अतताइयों को आखिरी सांस तक फंदे पे लटका के रखो, इनको तो खुले आम फांसी दे देना चाहिए, जिन्होंने देश की समृद्धता को खंडित किया है। लेकिन इसके साथ ही नीपू शर्मा जैसे सरकार कार्रवाई करे। देखिए, जहाँ से बवाल उठा, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया, उन जालिमों को तो फांसी के फंदे पे सरेआम 7 दिन के अंदर फैसला आ जाए। कोई गवे पुराव की आवश्यकता नहीं, वीडियो में सब दिखता है। भैया किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है?